जो मेन तीनटा जो काम अच्छी जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स ऑल थ्री डिपार्टमेंट्स शुड वर्क टुगेदर प्रथम है कन्वर्जेंस ऑफ ऑल फ्लैगशिप प्रोग्राम्स से राज्य सरकार का होगा या नेशनल गवर्नमेंट का सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम का कन्वर्जेंस होना चाहिए। दूसरा जितने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग उसका भी सब मिलकर यूज करना चाहिए। ये नहीं कि एजुकेशन विभाग का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है तो उसका हम लोग यूज ना करें, उसका पंचायत भी यूज करें, हेल्थ डिपार्टमेंट का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसको भी पंचायत वाले यूज करें। तो जितने विभाग हैं ड्रिंकिंग वाटर वो सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सब लोग मिलकर यूज करें। और सबसे बड़ी बात है कि सैचुरेशन अप्रोच में हम काम करें, वो जितना ही फंड आ रहा है उसको हम लोग प्रायोरिटी में कुछ काम करें शुरू में और उस काम को हम सैचुरेट करें, यानी कि छोटे छोटे काम करके हम कर दें उससे उपलब्धि नहीं हो पाती है, तो सैचुरेशन मोड में हमको काम करना है। और तीसरा है कि जितना हम डिजिटल टेक्नोलॉजी पोर्टल का जितना यूज करेंगे उतने लोगों को इसकी ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, अकाउंटेबिलिटी भी मिलेगी और हम उसको ग्राम सभा में लोगों को करेंगे। और इसी के लिए इस चीज़ को बढ़ाते हुए भारत सरकार के जो जितने भी मंत्रालय हैं 26 डिपार्टमेंट ने और मिलकर ज्वाइंट एडवाइजरी हर एक सब्जेक्ट पे इशू की हुई है, हर एक सब्जेक्ट पे भारत सरकार के 26 विभागों ने, और उसी तरह से बहुत सारे राज्य सरकारों ने भी सभी विभागों ने मिलकर ज्वाइंट एडवाइजरी इशू की है। और ज्वाइंट एडवाइजरी में मुख्य ये कहा गया है कि जितने भी अधिकारीगण हैं विभिन्न विभाग के वो पंचायत स्तर पर मिलकर काम करें, उनकी प्लानिंग पंचायत स्तर पर हो, उनकी जो ग्राम सभा पे उसकी सूचना दी जाए और मॉनिटरिंग में भी पंचायतों की भूमिका दर्ज कराई जाए कि सो दैट सब काम काफी ट्रांसपेरेंसी के साथ हो।